हमारे न्यूज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप सभी को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जन्मतिथि पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करनी है आपसे आज एक महत्वपूर्ण, जी हाँ महत्वपूर्ण बात यह है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आज पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब की जन्मतिथि को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो पूरे भारतवर्ष को बाबा साहब की जन्म तिथि को मनाना ही चाहिए। आज बाबा साहब होते तो 131 साल के हो गए होते और 131वां जन्मदिन बाबा साहब को बहुत बहुत सारी मुबारक हो। वो बट नेचुरली जिस भी देखो इंसान को मरने के बाद एक परलोक में जाना पड़ता है। आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है पर उनके आदर्श, उनकी सच्चाई और उनकी दी हुई शिक्षा हमारे आपके लोगों में जिंदा रहनी चाहिए। अगर हम उनकी फॉलो जो उनकी जो उनकी हमारे को बताई हुई बातें हैं उनको फॉलो करते हैं तो ये एक अच्छा संदेश है। उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है कास्टिज़म के लिए, जो जाति की राजनीति है उसके लिए हमेशा से बरखिलाफ़ रहे हैं और वो एक महान आर्किटेक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। संविधान को जन्म देने वाला एक किसी भी देश को रिपोर्टर साहब, किसी भी देश को चलाने के लिए या उसकी आप ये समझ लीजिए कि एक कार है उसको ड्राइव करने के लिए जो ड्राइवर चाहिए होता है, तो एक देश को मूव करने के लिए जो बेसिक नीड होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन की होती है। तो उस महान आदमी ने, उस महान लीडर ने, उस हमारे महान फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ने और लॉ मिनिस्टर ने हमें संविधान दिया जिसकी वजह से हमें आज अपने राइट्स भी पता हैं, जो हम कानून के अगेंस्ट चलते हैं, आप और मैं इस देश के अंदर खुली सांस में ताज़ा हवा में रह रहे हैं, हर रिलीजन का आदमी यहाँ पे स्वतंत्र है, आपको राइट टू स्पीच है, राइट टू थिंक है, किसी भी राइट टू रिलीजन है, सारे राइट्स आपके फंडामेंटल राइट नेचुरल राइट्स, इन सब के लिए अगर कोई ना कोई किसी न किसी तरफ से अगर आज इस आज़ादी को पूर्ण रूप से अगर उसको पूर्ण अधिकारों के साथ मज़े ले रहा है तो वो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की देन है। तो मैं शत शत नमन करता हूँ, शत शत प्रणाम करता हूँ उनकी शख्सियत को और लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे माँ के लाल हमारे देश में ज़रूर जो है पैदा होते थे, पैदा हुए हैं और पैदा होते रहेंगे। माँ के लाल आज हमारे भारतवर्ष में ऐसे भी पैदा हो रहे हैं जिन्होंने कल बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया नोएडा में और वहाँ एक दंगा होने का पूरा पूरा माहौल बन चुका है। रिपोर्टर साहब इसके अंदर एक मेरी अपनी जो है जाति समीक्षा है, वो जातीय समीक्षा ये है कि देखिए इस देश के अंदर जहाँ भगवान के ऊपर कृष्ण कर दिया जाता है या भगवान को भी, श्री राम को भी काल्पनिक पात्र कहा जाता है।